जिस तरह से जेसीबी की मीम्स पॉपुलर हो रही है, सोचो जेसीबी का ड्राइवर उसकी गर्लफ्रेंड से क्या कह रहा हो। छोड़ दे खुदाई मैंने तेरे लिए, जेसीबी चलाई मैंने तेरे लिए। मतलब कुछ भी। तो यार इससे पहले तुम लोग ये सोचो कि चल क्या रहा है, तो यार मैं भी बताना चाहूंगा कि पबजी खेलना शुरू कर दिया और उसकी लाइव स्ट्रीम भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है, लेकिन वो दूसरे चैनल पर होगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना। तो यार जेसीबी की खुदा इतनी ज्यादा और इतनी भयंकर किस्म से पॉपुलर हो रही है ना यार, मतलब तगड़ी वाली से साबित हो जाता है कि इंडिया में कितनी ज्यादा बेरोजगारी और लोग जो है दबा के शेयर कर रहे हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि लोग दबा के शेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेम सेम मीम्स बार बार लोग डीएम करके भेज रहे हैं। मतलब इंस्टाग्राम में टैग करना तो ठीक था, लेकिन डीएम कौन करता है भाई, डीएम कौन करता है। इस जेसीबी की खुदाई को लेकर के मिर्जा गालिब का एक गजब का शेर याद आ रहा है। दिल मेरा टूटा था जब की थी उसने जुदाई, दिल मेरा टूटा था जब की थी उसने जुदाई, अब तो झोला उठाकर चल देता हूँ, देखने जेसीबी की खुदाई। जेसीबी की खुदाई तो पहले भी होती थी, लेकिन जेसीबी को इतना रिकॉग्निशन आज से पहले कभी नहीं मिला। और ये हुआ क्यों? क्योंकि किसी ने कहा कि लोग इतने बेरोजगार हैं कि जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं, और बस इस पर ही कोई ऑफेंड हो गया और उसने मीम बनाया और शेयर करना शुरू कर दिया, और दबा के शेयरिंग हुई। जो दबा के शेयरिंग हुई कि मतलब जेसीबी भी सोच रही होगी कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी तो हमने जिंदगी भर नहीं देखी, कहां से आ रही है इतनी पॉपुलैरिटी, देश संकट में है। इतनी ज्यादा भीड़ देख के तो जेसीबी का ड्राइवर भी यही सोच रहा होगा, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है। जेसीबी की खुदाई वाला ट्रेंड खत्म हो चुका था, लेकिन फिर इस पिक्चर ने कतई तबाही मचा दी है। इंडियंस की फेवरेट सनी लियोन ने जब ये पिक्चर पोस्ट की, आहा आनंद ही आ गया, संसार का सारा सुख एक ही फोटो में, मतलब कतई जहर। तुम्हें पता है बीजेपी के जीत का सीक्रेट यही कि उन्होंने जेसीबी की खुदाई शुरू करवा दी, और अगर कांग्रेस ने भी ये काम किया होता तो कतई नहीं हारती थी वो। नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले बड़ा ऐलान किया है कि हर बंदे को जेसीबी की खुदाई दिखाई जाएगी, हर मोहल्ले में जेसीबी की खुदाई दोबारा से शुरू की जाएगी। पहले लोग क्रिकेट मैचेस में हवस धुआं करते थे, लेकिन आजकल जेसीबी की खुदाई देखने चलते हैं। मतलब जेसीबी की खुदाई में क्या मजा आ रहा है, लोगों का कहना यहाँ तक है कि जेसीबी की खुदाई देखने चलो, वहीं कोई लौंडिया सेट हो जाएगी। और बात गलत नहीं है इन लौंडों की, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा भीड़ जेसीबी की खुदाई देखने में ही जमा होती है। तो चलो जेसीबी की इस पॉपुलैरिटी का कुछ फायदा हम भी उठाते हैं और जेसीबी की इन कुछ पॉपुलर मीम्स पे रिएक्ट करते हैं। दो दिन के बाद उसकी शादी हो गई, उस रात अपन 2 बजे तक पिया, फिर क्या अगले दिन अपने मोहल्ले में जेसीबी आई। अल्लाह दुहाई है, जेसीबी खुदाई है। जब तुम जेसीबी की खुदाई देख रहे हो बड़े मजे से, लेकिन तुम्हारा पड़ोसी आके जोर से चिल्लाता है और तुम्हारा रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, भाई भाई वहां क्या हो रहा है, वो तो जेसीबी की खुदाई चल रही, चल जल्दी चल, भाग भाग भाग, खत्म हो जाएगी। खोदो 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 खोदो। हमारे एरिया में जेसीबी की खुदाई हो रही है और तुम्हें ऑफिस जाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली 10 बजे आज मुझे जेसीबी की खुदाई देखने जाना था, पर जिसको खुदाई करनी थी वो तो आया ही नहीं, बचा ये खुदाई और ये खाली जेसीबी जो किसका है पता नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, सरकार का बड़ा फैसला, जेसीबी की खुदाई देखने के लिए छुट्टी का प्रस्ताव पारित। नरेंद्र मोदी के बाद भारत की दूसरी पसंद जेसीबी। ब्रेकिंग न्यूज, खुदाई देखने गए तैमूर का जेसीबी पर आया दिल, ऑल्टो बेचकर किस्तों पर निकालेंगे जेसीबी, बोले सैफ की मूवी से ज्यादा लोग देखने आते हैं जेसीबी। क्या सोच रहे हो, सोच रहा हूँ कि कल एग्जाम छोड़ दूँ क्योंकि मोहल्ले में जेसीबी की खुदाई चल रही है। तो यार अगर तुम्हें भी पसंद है जेसीबी की खुदाई तो लाइक दिस वीडियो और शेयर करना तो भूलना मत, और अगर और ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, और बस लाइक करते हुए जाना क्योंकि जेसीबी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद आया और जिंदाबाद रहेगी।